जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। महावीर जयंती की आरज़ू ख्वाहिश के सभी सदस्यों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की जो वीडियो है बहुत ही खास है। जैसा कि सभी जानते हैं, कोई इसे अनभिज्ञ नहीं है, भगवान महावीर जी हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। श्री महावीर जयंती हम जैनों का एक महान पर्व है। ये हर साल महावीर स्वामी के जन्मदिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि आज है। आज बहुत ही महान दिवस है। इस महान दिवस पर आप सभी से कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आपसे आज कुछ मांगना चाहती हूँ। तो आज इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी एंड तक इसे सुनिएगा और जो आपसे इच्छा रखती हूँ उसे ज़रूर पूरी कीजिएगा। आशा है मुझे कि आप ज़रूर इस कार्य को पूरा करेंगे। देखिए, हमारे जैन धर्म में महावीर जयंती का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन भयंकर बीमारी की वजह से ये त्यौहार नहीं मनाया जा रहा। इसीलिए सभी से छोटी सी एक विनती है कि सभी अपने घरों में रहकर, सभी सेफ रह करके अपने घरों में ही जितना हो सके माला जाप करें, मंत्र जाप करें और सब प्रेम प्यार से रहें, अपना ध्यान रखते हुए। तो पहले तो आपको ये बता दें कि जो जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं, जो जैन भाई बंधु हैं और जो जैन नहीं भी हैं, जो जैन धर्म से रिलेटेड नहीं हैं, जो ये वीडियो सुन रहे हैं लेकिन वो इस धर्म के नहीं हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आज मैं इच्छा चाहती हूँ आप सबसे वो आप पूरी नहीं कर सकते, वो आप भी कर सकते हैं अगर आपकी मन की इच्छा हो तो। भगवान महावीर जी का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में रानी त्रिशला और राजा सिद्धार्थ के प्रांगण में हुआ। 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर आध्यात्मिक मार्ग को अपना लिया था। भगवान महावीर जी के क्या संस्कार थे, वो क्या चाहते थे? हमेशा से अहिंसा का पालन, सत्य की राह पर चलना, ईमानदारी से चलना, ब्रह्मचर्य का, शुद्धता का पालन करना और कोई भी किसी भी भौतिक वस्तु से मोह माया नहीं रखना, तो इन चीज़ों का हमेशा वो संदेश देते थे। तो आज इसीलिए आपसे एक इच्छा, एक विनती करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या चाहती हूँ आज आपसे। देखें, जितने भी बहन भाई, जितने भी जैन बहन भाई, माताएं, बहनें, मुझसे सभी बड़ी आदरणीय हैं, जितने भी यहाँ पे आरज़ू ख्वाहिश चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी से आज एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आज इतने महान दिवस के दिन, जबकि आज तीन योग भी यहाँ पे आज बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग, तीन योग एक साथ बन रहे हैं, तो आप अपने आप ही देख लीजिए, सोच लीजिए कि कितना बड़ा आज का दिवस है। और आज के दिन अगर आपको कुछ करने का मौका मिले तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्य उदय से लेकर 26 अप्रैल अर्थात मध्य रात्रि को, 25 की ही मध्य रात्रि को 1:55 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसी समय पर अमृत सिद्धि योग और रवि योग, तीनों योग एक ही समय पर रहेंगे, तो बहुत ही शुभ योग हैं और ऊपर से महावीर जयंती है। तो इस अवसर पर आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि शाम के समय जब दोनों समय मिलते हों, अर्थात शाम ढलते और रात्रि के शुरुआत होते समय, सूर्य ढलने के समय में सभी को, इस वीडियो को सुन रहे हैं भले वो फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, यूट्यूब पे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी ये वीडियो जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए ये निवेदन है
कि शाम के समय एक ही समय पर, समय आपको अभी बता रही हूँ, एक ही समय पर सभी ने नमोकार मंत्र जाप करना है। जब देखिए, जब एक समूह में सभी सभी जाप की ऊर्जा ब्रह्मांड में जाएगी तो अवश्य ही पूरे भारतवासियों समेत हम और आप इस विपदा की जो घड़ी ये चल रही है, इस विपदा की घड़ी से हमें ज़रूर मुक्ति मिलेगी। यही इच्छा है, यही एक आरजू है मेरी कि इस चैनल से जितने भी जुड़े हुए सदस्य हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, जो रेयर अचानक से मेरी वीडियो किसी के सामने आई और वो सुन रहे हैं, तो वो भी ये इसमें अपना सहयोग अवश्य दें। सभी से आग्रह है 25 तारीख को, आज के दिन शाम के समय, दिन ढलते समय पूरे 7 बजे, 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक नमोकार मंत्र का जाप करना है। सिर्फ इतना सा कार्य आपको करना है, इतना सहयोग आपको देना है। ये आपका चुनाव है कि जाप आप मौखिक करना चाहते हैं या हाथ में माला लेकर जाप करना चाहते हैं। मानसिक जाप भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी रुकावट, कोई खेद नहीं है। माला से भी कर सकते हैं, आप मौखिक भी कर सकते हैं। देखिए, जनजीवन के कल्याण के लिए आज के महान दिवस में इतना तो हम कर ही सकते हैं। भगवान महावीर जी ने यही पाठ पढ़ाया है कि सत्य पर चलें, अहिंसा और प्यार स्नेह के साथ व्यवहार करें, जन कल्याण के लिए जितना हो हम कर सकें। तो इतना सा कार्य पूरे दिल से, पूरे तन मन से, पूरी खुशी के साथ हम सब मिलकर कर ही सकते हैं इतना। तो जो भी आरजू परिवार के साथ हैं और जो नहीं भी हैं, माला जाप के बाद में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर करिएगा, सभी जन कल्याण के लिए, सभी भारतवासियों को उनके लिए प्रार्थना करते हुए कि जय भगवान महावीर, सभी का कल्याण करें। यह एक प्रार्थना कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अन्य धर्म से संबंधित सभी लोग ये कल्याणकारी, महाकल्याणकारी मंत्र जाप कर सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखिएगा, एक नियम है छोटा सा, जैन भाई बंधुओं को, बहनों को, सभी को जानकारी है इस चीज़ की, लेकिन जो जैन धर्म से नहीं जुड़े वो इतना सा नियम ज़रूर अपना लें। माला जाप करते समय मुंह पर रुमाल, कपड़ा, चुन्नी, जो भी आपके पास, आपके हाथ में कपड़ा है, आप उसे मुख पर रखें, उसके बाद नमोकार मंत्र की माला का जाप शुरू कर दें। तो जिन्हें इस नियम की जानकारी नहीं है, ये उन्हीं के लिए संदेश है, खास करके कि मुंह पर कपड़ा रख कर ही माला का जाप करें। तो यही मेरा संदेश, यही एक विनती है सभी से, इस कार्य को शाम को जन कल्याण हेतु पूरे 7 बजे शुरू कर देना है। समय अवधि इसलिए एक ही समय रखी है ताकि एक ही समय पर जब हम ये कार्य करेंगे तो वो पूरा ब्रह्मांड में ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, जिससे पूरे भारतवासियों पर इस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो यही इच्छा है। तो जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अवश्य ये कार्य करें, अपना सहयोग अवश्य दें। आशा करती हूँ आप मेरी भावना को समझ रहे होंगे और इस कार्य में सहभागी बनेंगे। जैसे ही आप वीडियो को सुनें, इसे अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये जाप कर पाएं। जितना हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरी तरह से फैला दें इस संदेश को, ताकि जन जन तक ये बात पहुंचे और वो अपना सहयोग दे पाएं जन कल्याण के लिए। आज के खास दिवस पर आप सभी को फिर से महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।